अंबानी परिवार की छोटी बहू टीना मुनीम, जो कभी ग्लैमरस इंडस्ट्री की क्वीन थी, वो आज सादगी पसंद करती हैं। टीना ने फिल्म देश परदेश से बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। इस दौरान न सिर्फ उनकी खूबसूरती के चर्चे हुए, बल्कि लव लाइफ को लेकर भी वो सुर्खियों में रही। जी हाँ, टीना के अफेयर्स की खबरें सबसे ज्यादा संजय दत्त के साथ उड़ी। टीना संजय ने एक साथ फिल्म रॉकी में काम किया। इसी दौरान दोनों के बीच की नजदीकियां भी बढ़ी और बाद में मोहब्बत में बदल गई। मगर इन दोनों की लव स्टोरी में विलेन बने एक्टर ऋषि कपूर, जिसका जिक्र खुद ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में किया था। किताब के जरिए ऋषि ने बताया था कि एक बार जब टीना मुनीम संग उनके अफेयर्स की खबरें आने लगी थी, तो नशे में धुत संजय दत्त झगड़ने के लिए सधे उनके घर पहुंच गए थे। दरअसल फिल्मों के दौरान टीना की दोस्ती ऋषि के साथ हुई थी, जिसके बाद दोनों के अफेयर्स की अफवाह भी उड़ने लगी। उस वक्त ऋषि कपूर सिंपल थे, जो कि टीना का अफेयर संजय दत्त के साथ चल रहा था। जैसे ही संजय की इन अफवाहों की खबर मिली, तो वो इस बात को सच समझ बैठे और एक दिन संजय गुलशन ग्रोवर के साथ पाली स्थित अपार्टमेंट में उन्हें मारने पहुंच गए थे। उस वक्त संजय को रणबीर कपूर की मम्मी नीतू ने रोका था। ऋषि ने आगे अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया था कि ऐसा पहली दफा नहीं, बल्कि इससे पहले भी फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान संजय नीतू के घर उनसे झगड़ने पहुंच गए थे। हालांकि उस वक्त भी नीतू ने हालात को संभाल लिया था। उन्होंने शांत तरीके से संजू बाबा को समझाया था कि ये सब महज अफवाहें हैं, टीना और चिंटू के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर इसके बावजूद भी संजय टीना की लव स्टोरी परवान नहीं चढ़ पाए, क्योंकि संजय की बुरी लत टीना को उनसे दूर करती चली गई। इसके बाद टीना की जिंदगी में राजेश खन्ना आए। सालों के रिलेशनशिप के बाद टीना उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन राजेश इस बात के लिए तैयार नहीं थे। दोनों का रिश्ता भी यहीं खत्म हो गया, क्योंकि शायद टीना की जिंदगी में अनिल अंबानी को आना जो लिखा था। अनिल एक शादी में टीना को अपना दिल दे बैठे थे, जिसके बाद अनिल उनसे मिलने के लिए बार बार बहाने ढूंढने लगे। टीना भी अनिल की सादगी से इम्प्रेस हुई, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को डेट करने लगे। मगर अनिल का परिवार दोनों के रिश्ते के खिलाफ था, क्योंकि अंबानी परिवार किसी एक्ट्रेस को अपनी बहू नहीं बनाना चाहता था। मगर कहते हैं ना कि इश्क सच्चा हो तो मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस ऐसा ही कुछ अनिल टीना की लव स्टोरी में हुआ। टीना ने एक्टिंग छोड़कर इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की। करीब 4 साल तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद अनिल ने फिर से जिद की टीना से शादी करने की। इस बार अंबानी परिवार भी उनकी जिद के आगे हार गया, जिसके बाद 1991 में दोनों के परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। तो ऐसा टीना मुनीम से अंबानी परिवार की बहू बन गई। शादी के बाद टीना काफी बदल चुकी है। आज वो पति की तरह सादगी पसंद इंसान बन चुकी है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।